नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया जी। इस लेक्चर 26 में हम लोग व्यवहार, कार्य और भागीदारी की बात कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हुए हम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा के स्वरूप को भी देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान पे विस्तृत चर्चा की, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान। फिर हमने देखा कैसे ज्ञान के आधार पर विवेक निश्चित होता है, फिर कैसे विवेक के आधार पर व्यवहार, कार्य, भागीदारी निश्चित होती है और कैसे वह अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा में जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यवहार की बात अगर की जाए, जैसे कल भी चर्चा हुई थी जी, तो परस्परता में व्यवहार, कार्य और भागीदारी दिखाई देती है ना। तो इम्फेसिस तो ज्ञान पे है, विवेक पे है और उसकी जो प्रस्तुति होती है वो व्यवहार, कार्य और भागीदारी के रूप में होती है। इसमें भी जो मौलिकता है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी जब मानवतापूर्ण आचरण की बात कर रहे थे जी। तो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम हैं। पिछली स्लाइड पे जी, ये हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो ये हमें स्वयं में ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे इवॉल्व कर पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो पहले कोई स्थिति ऐसी रही जिसमें कि हमारा जीना सिर्फ चयन आस्वादन के अवसर पे ही रहा, फिर कोई ऐसी स्थिति बनी जिसमें चित्रण तक हम गतिशील हो पाए, एक्टिव हो पाए। उसके बाद अभी ये जो एरो है इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि ब्लॉक B1 में काम शुरू हो जाए। उसके पहले ब्लॉक B2 में भी कितना सारा काम शेष है अपने को दिखाई दे रहा है ना। तो जब हम अपने को ऑब्जर्व करें तो ये भी ऑब्जर्व करें कि ब्लॉक B2 में कितना काम हुआ है। हो सकता है ब्लॉक B1 में काम अभी शेष ही हो, कोई भाव अभी चिंतन में ना आया हो, व्यवस्था का बोध किसी भी अवस्था का ना हुआ हो। तो ये ब्लॉक B2 में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम कितना पार पा रहे हैं, कितना हम निकल पा रहे हैं अपनी मान्यताओं से, संवेदनाओं के प्रभाव से, कितना हम ज्ञान की ओर उन्मुख हो पा रहे हैं, ये देखने की बात है। तो ये हम सब अपना मूल्यांकन करें और जब हम लोग शेयरिंग करेंगे बैच को लेकर जो 19 तारीख से हम लोग या 24 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस बात को रखें कि किस प्रकार से हम अपने आप में परिमार्जन को देख पा रहे हैं जी। तो यदि पूर्व की स्थिति को देखा जाए जब पूरी तरह से सिर्फ ब्लॉक B2 में ही एक्टिव है, ब्लॉक B1 में कोई काम नहीं हुआ है, तो ये स्थिति दिखाई देती है कि जो हमारा व्यवहार होता है, कार्य होता है, भागीदारी होता है, ये लगभग बेहोशी में ही होता है ना। कभी सुखी कभी दुखी, कभी समृद्ध कभी दरिद्र, कभी व्यवस्था में भागीदारी कभी अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो जीने में उपलब्धि के रूप में देखें तो दिखाई देगा कि मोस्टली अनहैप्पीनेस, अपने आप में दुखी ही पाते हैं अपने आप को हम जनरली। वैसे ही स्वयं में सुविधाओं की आवश्यकता स्पष्ट न होने के कारण अभाव बना रहता है और ज्यादातर समय जो विचार है उस सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए बना रहता है, अपने आप में एक दरिद्रता का भाव बना रहता है। और बाहर जो कुछ है उसके साथ तो भागीदारी कई बार दिखती ही नहीं है ना। कि समाज भी हमारे जीने के लिए एक आवश्यक भाग है तो ऐसा नहीं लगता। जब भागीदारी की बात होती है तो हम अधिक से अधिक ये होता है कि जो हम भागीदारी कर रहे हैं है ना, वो कुछ मान्यताओं के आधार पर कर लेते हैं, परंतु जो समझ के करना है वो शेष रहता है। इसलिए एक तो व्यवस्था की समझ न होने से व्यवस्था में भागीदारी जब करने जाते हैं तो ठीक विधि से नहीं कर पाते, मान्यताओं या संवेदनाओं के आधार पर करते हैं। और कई बार चूंकि स्वयं में दुखी होते हैं तो अव्यवस्था भी फैलाते हैं, स्वयं में ही अगर अव्यवस्था है तो बाहर फैलाएंगे, तो ये सब चलता रहता है। और यदि हम कल्पनाशीलता की स्थिति को देखें तो दिखता है कि विचार जो है वो अनियंत्रित रहता है, गृहित लाभ के अर्थ में, जो आशा है अनियंत्रित रहती है संवेदनाओं के अर्थ में, और ऐसा कुछ चलता रहता है जी। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बट ये आगे बढ़ना एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है क्योंकि एक बार ये चिंतन में आ गया तो फिर हमारे अंदर बना रहता है। तो चिंतन अगर हमारे अंदर किसी भाव का हुआ तो वो फिर हमारे अंदर बना रहता है, हमें स्वभाव की स्पष्टता होती है। जो स्वभाव की स्पष्टता होती है उससे फिर हमारी कल्पनाशीलता नियंत्रित होती है, उसके आधार पर गाइडेड होती है, तो विचार गाइडेड होता है, आशा गाइडेड होती है। इसमें ये बात थोड़ा सा अपने आप में ध्यान में रहे कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ऐसा रख दिया है कि चिंतन की क्रिया पूरी जागृत हो गई, बट ऐसा नहीं होगा।
कि ऊपर की क्रियाएं बिल्कुल भी जागृत नहीं है और चिंतन पूरा जागृत हो गया है। अगर हम उसको बहुत ही विधिवत देखें इस प्रकार से होता है, तो कोई भाव हमारे चिंतन में आएगा, उसके साथ उस इकाई की व्यवस्था का बोध भी होगा और इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि चिंतन की क्रिया जागृत होने के साथ है ना, हमारे यहाँ हम स्वयं में सुख का भाव बढ़ने लगता है। जितनी जितनी भागीदारी दिखाई देती है उतना सुख का भाव बनने लगता है, समृद्धि का भाव बनने लगता है। जिस भी पक्ष के साथ चिंतन में आ गया भाव, उसका संबंध की स्पष्टता हो जाती है, तो उस संबंध में चाहे शरीर हो, दूसरा मनुष्य हो, शेष प्रकृति हो, ना मेरा जो भाव निश्चित हुआ उसका हमारा जीना निश्चित होता है। तो स्वयं में सुख बनने लगता है, समृद्धि का भाव बनने लगता है और व्यवस्था में भागीदारी भी हमको दिखाई देने लगती है और हम करने भी लगते हैं। जी, इससे आगे अगर चलें, बोध और संकल्प में हम जागृत हो पाते हैं तो हमें जो स्वयं में आश्वस्ति बनती है, तो व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में उभय सुख उभय समृद्धि दिखाई देने लगती है। तो मोस्टली हैप्पीनेस कहें, व्यवहार में मोस्टली हैप्पीनेस होता है, कार्य में मोस्टली प्रॉस्पेरिटी होता है और पार्टिसिपेशन में मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्डर रहता है, व्यवस्था में भागीदारी कर रहे होते हैं। बट जो ज्ञान के लिए शेष रह गया है ना, उतने को लेकर शंका भय बना रहेगा। तो चूंकि अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ है, तो अस्तित्व को लेकर स्वयं में कुछ ना कुछ शंका भय बना रहेगा, क्योंकि अभी अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ है। जी, नेक्स्ट स्लाइड भैया। अस्तित्व के अनुभव के साथ ज्ञान की पूर्णता होती है, ज्ञान की पूर्णता के साथ बोध की पूर्णता होती है, चिंतन की पूर्णता होती है और नीचे जो कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसमें निश्चितता होती है और उसके साथ जो हमारी भागीदारी होती है उसमें भी पूरकता का भाव होता है, मानव के साथ साथ भी, शेष प्रकृति के साथ भी। और जो भी हम भागीदारी करते हैं वो भागीदारी टुकड़ों टुकड़ों में ना होकर हम मानवीय परंपरा तक ध्यान देते हुए कर पाते हैं, तो समग्र व्यवस्था को हम अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसमें अपनी भागीदारी को देख पाते हैं और ऐसा ही हमारा जीना होता है। इसमें कॉन्टिन्यूटी हो जाती है, सुख की निरंतरता रहती है, समृद्धि के भाव की निरंतरता रहती है और जो भागीदारी करते हैं उसकी भी व्यवस्था में भागीदारी की निरंतरता होती है। और ये तभी है जब बात पूरी तरह समझ में आ जाती है ना, उससे पहले कहीं ना कहीं आंशिक रूप से चूक हो रहा होता है। परंतु अभी भी देखें तो ऐसा नहीं कि हमको इसके लिए प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है। ये जो ब्लॉक B2 में भी हम काम कर रहे हैं तो इसमें भी हम ये तीनों ही भावों में, व्यवहार, कार्य और भागीदारी में अगर ठीक से ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हम गति करने लगते हैं। और यदि कहीं हमारे आचरण में चूक होता है तो उसके लिए हम स्वयं पर जो ध्यान देते हैं, समझने का काम करते हैं, उससे स्वयं में भी एक निष्ठा तत्परता बनती है ज्ञान के लिए। अपने को दिखाई देता है कि जब तक ज्ञान की पूर्णता ना हो, ये द्वंद, ये उलझन, ये प्रश्न, ये चिंता, परेशानी, दुख, अभाव का भाव है ना, ये सब बना रहेगा, तो उससे हम आगे गति करते रहते हैं। तो अनुभव की क्रिया के साथ हमें अस्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो विचार होता है सत्य धर्म न्याय की दृष्टि के आधार पर होता है। जो हम चयन आस्वादन करते हैं में हमारे अंदर लक्ष्य मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन बना रहता है, उसके आधार पर ही हम रुचियों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें गति दिखाई देती है। जी, नेक्स्ट भैया। इसके आधार पर अगर व्यवहार को देखें फैलाकर, तो दिखता है कि हमें संबंध का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हर मानव के साथ हम उसका निर्वाह कर पा रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं, उसे सुख सुनिश्चित हो रहा है, तो हर संबंध में हम न्याय कर पाते हैं। और जो न्याय की हमारी दृढ़ता है, निष्ठा है, वो पूरे विश्व परिवार तक दिखाई देती है, अखंड समाज के रूप में दिखाई देती है। तो जब हमें सत्य का अनुभव हुआ, अस्तित्व का अनुभव हुआ और फिर वहां से अगर हम व्यवहार को देखते हैं तो हमें व्यवहार अखंड समाज के ही में भागीदारी का एक हिस्सा के रूप में दिखाई देता है कि जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ अखंड समाज में भागीदारी के अर्थ में है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है ना, और उस पूरे विश्व परिवार के इकाई के रूप में अपने परिवार को मैं देखता हूँ।
तो मेरे अंदर प्रेम का भाव हर्षण बना रहता है हर मानव के साथ, प्रकृति की हर इकाई के साथ, और जिन संबंधों के साथ मैं निर्वाह कर रहा हूँ उनमें स्नेह का भाव बना रहता है। और इन सब मुद्दों पर हमने डिस्कशन भी किया था जब हमने संबंध में भावों की बात की थी इस सेशन में। तो हमने देखा था कि कैसे प्रेम के भाव में मैं बना रहता हूँ और उसके साथ निश्चित संबंधों में मैं स्नेह का निर्वाह करता रहता हूँ। तो अब हम इस पूरे संबंध को, भाव को, उसके निर्वाह को अब समाज में अखंडता के अर्थ में हम देख पाते हैं और इससे हमारे जीने में गुणात्मक परिवर्तन आता है। ये जो अपना पराया का भेदभाव है ये नहीं रहा, है ना, परिचित हो अपरिचित हो है मेरा संबंधी और हर एक के साथ मैं उसके सुख समृद्धि के अर्थ में ही निर्वाह करता हूँ। किसी का शोषण करके किसी का पोषण करना है ऐसा नहीं, समाज को लूट कर परिवार को भरना है ऐसा नहीं, है ना, हर एक का पोषण करना है, हर एक के सुख समृद्धि में सहायक होना है, भागीदार होना है, क्योंकि अब मैं हर एक मनुष्य के साथ संबंध को देख पा रहा हूँ। जी, तो जब हम पूरे अखंड समाज के समझ के साथ किन्हीं निश्चित संबंधों में निर्वाह कर रहे होते हैं तो अखंडता का भाव बना रहता है। तो किसी संबंध का हम अधिमूल्यन कर लें, किसी का अवमूल्यन कर लें ऐसा नहीं, है ना, हम उस अखंडता की समझ के साथ हर एक मनुष्य के साथ निर्वाह करते हैं और हमारे अंदर हर क्षण उभय सुख का भाव बना रहता है कि मेरा जो भी निर्वाह है उभय सुख के अर्थ में हो। मैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने भागीदारी के द्वारा अगले व्यक्ति में सही समझ, सही भाव सुनिश्चित कर पाऊँ ताकि अगला व्यक्ति विकास कर सके, अगले व्यक्ति में जागृति हो सके, ये भाव बना रहता है। जी, नेक्स्ट भैया। तो इस पे तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में ही, व्यक्ति में भी डिस्कशन किया था, ये संबंध है मैं का मैं से, है ना। अब मुझे ये जो संबंध है ये मैं का मैं से, तो मुझे मैं का बोध हुआ कि मैं है क्या, की व्यवस्था स्पष्ट हुई, अस्तित्व का अनुभव हुआ। अब उसके साथ ये संबंध मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ये मेरे अंदर निरंतर अनकंडीशनली ये जो संबंध का भाव है बना रहता है, संबंध के भाव मुझे दिखाई दे रहे होते हैं और मैं उनको फिर निर्वाह करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, जिससे उभय सुख सुनिश्चित होता है, जिससे न्याय सुनिश्चित होता है और मैं दूसरे के व्यवहार से आहत, बाधित है ना, नहीं होता, बल्कि मेरा भाव निश्चित रहता है, मेरी भागीदारी निश्चित रहती है। अगले की जैसी भी योग्यता हो, मेरी जो भागीदारी है वो उससे स्वतंत्र होती है। तो मैं किसी के साथ रिएक्ट करूँ, किसी के साथ रिस्पॉन्ड करूँ ऐसा नहीं होगा, पहले के साथ रिस्पॉन्ड ही करता हूँ और इस अर्थ में करता हूँ ताकि अगले व्यक्ति में भी ये सारे भाव सुनिश्चित हों। इस प्रकार मैं न्याय में जी पाता हूँ, न्याय को सुनिश्चित कर पाता हूँ। ये जो न्यायपूर्वक जीने की मेरी योग्यता बनी, ठीक है, ये परिवार से विश्व परिवार तक जाता है, अखंड समाज तक जाता है, जिससे समाज में अभय बना रहता है। मेरी भागीदारी तो हर क्षण अभय के रूप में ही रहती है। जी, नेक्स्ट भैया। वैसे कार्य की बात करें तो उन्होंने कार्य के विज्ञान पे बात किया था, विस्तार से बात किया था। अब मैं उसी को जीता हूँ, मैं उसको निर्वाह करता हूँ। जी, नेक्स्ट भैया। तो जिस प्रकार मैं मानव के साथ संबंध की पहचान कर पाता हूँ, वैसे मैं शेष प्रकृति के साथ उस संबंध की ठीक ठीक पहचान कर पाता हूँ, उसका निर्वाह करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, जिससे मैं समृद्ध महसूस करता हूँ, शेष प्रकृति को भी मैं सुरक्षित रख पाता हूँ, उसका संवर्धन संरक्षण सदुपयोग कर पाता हूँ। तो सत्य का अनुभव हो जाए मुझे, तो जहाँ से जब मैं अपने कार्य को देखता हूँ तो मैं पूरी प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी करके अपने कार्य को देखता हूँ और फिर मैं उस कार्य को एक एक अवसर पर जहाँ मैं जी रहा हूँ उसको मैं पूरा कर रहा होता हूँ। तो मैं अगर परिवार में भी कोई काम कर रहा हूँ तो उस परिवार में जो मैं श्रम कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, उसको मैं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने घर का टॉयलेट भी क्लीन करना है तो पहले विचार हो सकता था कि देखो कितना छोटा काम कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट क्लीन कर रहा हूँ, बच्ची परिवार है, सब करना होता है, कोई तो करेगा। दूसरा अगर मौका मिल जाए कि वो कर दे, कर ले, रख लेता हूँ। बट अब जब इस पूरे ज्ञान के साथ मैं टॉयलेट भी क्लीन करता हूँ तो मुझे वो टॉयलेट का क्लीन करना भी एक समग्र व्यवस्था भागीदारी के रूप में दिखाई देता है।
और ये आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देगा। उस काम को करते हुए जो पहले शर्म महसूस होती थी, अपमान महसूस होता था, अब जब आपको काम कर रहे हैं तो आपको भागीदारी दिखाई दे रही है। आप जब टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं तो उसको आपके घर वाले भी देख रहे हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, उनके अंदर वो संस्कार जा रहा है। वो बच्चा समाज में एक व्यक्ति बन के तैयार होगा और इस संस्कार के साथ जब समाज में जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा बनेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्वीकृति बनेगी, है ना, कि ये काम ऐसा नहीं है कि हीन है, छोटा है, एक आवश्यक काम है। अगर मैं शरीर का मल त्यागता हूँ तो टॉयलेट क्लीन करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये भाव मेरे अंदर बना रहे तो जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो टॉयलेट का क्लीनर है कॉलेज में, उसको मैं संबंधी के रूप में देख पाता हूँ, वो दिखता है कि वो भी वही काम कर रहा है जो मैं घर में कर रहा हूँ। तो हम सब एक जैसे ही हैं, अपनी अपनी भागीदारी है। कॉलेज में उनकी भागीदारी एक प्रकार की, मेरी भागीदारी अलग प्रकार की। तो स्वीपर भी अपने घर में जाएंगे तो वो भी परिवार में कई और तरह के रोल्स पूरा कर रहे होंगे। तो ये जो हम अब भागीदारी किसी भी स्तर पर कर रहे होते हैं उसमें हमें एक समग्र व्यवस्था अपनी भागीदारी दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, और उस समझ के साथ हम उसको कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जो द्वंद्व उलझन कार्य को लेकर लगा रहता है, ये छोटा काम, ये बड़ा काम, ये ऊंचा काम, ये नीचा काम, ऐसा नहीं रहता। विविधता अल्टीमेटली भागीदारी है और किसी न किसी को करना ही है। तो मैं अपनी योग्यता का आकलन करते हुए अपनी भागीदारी का चयन करता हूँ, परंतु जो कम योग्य व्यक्ति हैं वो भी जो भागीदारी कर रहे हैं वो एक आवश्यक भाग है, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसकी भी अनिवार्यता है कि नहीं। कोई सड़क की भी सफाई कर रहा है, कोई नाले की सफाई कर रहा है, अभी दिख रहा है ना, अगर नाली की सफाई भी ठीक से ना हो तो हम कितने परेशान होते हैं, शहर में कितनी गंदगी फैल जाती है, पानी भर जाता है कि नहीं। अभी भी देखिए तो जिस प्रकार से गटर की सफाई हो रही है, नाले की सफाई, उसमें आज के दिन भी हम इतना आविष्कार करके भी ऐसी मशीनें सुलभ नहीं करा पाए कि कोई व्यक्ति मशीन से उसको कर पाए। कई बार व्यक्तियों को गटर में नीचे उतरना पड़ता है, कई बार उससे डेथ हो जाते हैं क्योंकि उसमें मीथेन और इस तरह की गैसेज भरी रहती है। तो जब मैं इन तरह के कामों को अपने लिए स्वीकारता हूँ तो मैं उन दूसरे व्यक्तियों को जो वो काम कर रहे हैं उनके साथ उस संबंध को ज़्यादा ठीक से देख पाता हूँ, और उस कार्य के लिए मैं बेहतर योजनाएं बना पाता हूँ, बनती है। इन सब बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत सारे मुद्दों पर स्पष्टता बनेगी, जहाँ स्कोप है हमारे अपने ऊपर काम करने के लिए। तो इसका जो सहज फलन है वो यह है कि मुझमें समृद्धि का भाव बना रहता है और शेष प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो शेष प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग सुनिश्चित कर पाता हूँ और स्वयं में समृद्धि का भाव सुनिश्चित कर पाता हूँ। तो एक तो जब मैं कार्य को व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखता हूँ तो उसके साथ व्यवहार जुड़ा रहता है, उसका संबंध का भाव जुड़ा रहता है। तो मानव के साथ संबंध को पहचानते हुए मैं शेष प्रकृति के साथ भागीदारी कर रहा हूँ। उस क्रम में मैं अपने शरीर का भी आकलन कर रहा हूँ, शरीर की आवश्यक सुविधा का भी आकलन कर रहा हूँ, उस सुविधा की आवश्यकता को उत्पादन पूर्वक कैसे पूरा करना है उसका भी आकलन कर रहा हूँ, कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर उत्पादन करना है इसका भी आकलन कर रहा हूँ, कैसे शेष प्रकृति भी इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हो रही है इसका भी मैं आकलन करता हूँ, और जो मैंने उत्पादित कर लिया उसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं उसका भी आकलन करता हूँ, और फिर जो विनिमय कर रहा हूँ, जो कोष कर रहा हूँ इसका भी आकलन करता हूँ। तो मेरी दृष्टि पूरी फैली हुई है, सत्य धर्म न्याय की दृष्टि के साथ जब मैं विचार करता हूँ तो मैं एक साथ सभी के साथ संबंध को देख पाता हूँ, भागीदारी को देख पाता हूँ, और मैं जो भी कार्य करता हूँ उस समग्र व्यवस्था में भागीदारी के एक अंश के रूप में कार्य कर रहा हूँ, ये मुझे दिखाई देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में प्रकृति को एनरिच कर पाता हूँ, यानी संवर्धित कर पाता हूँ, संरक्षित कर पाता हूँ, सदुपयोग कर पाता हूँ, ये योग्यता निकल कर आती है। अब ये कुछ हमारे लिए की पॉइंट्स हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, कि हम शेष प्रकृति को कितना समृद्ध कर पा रहे हैं, कितना संरक्षित कर पा रहे हैं, कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, और जो ये समृद्धि के भाव से जुड़े मुद्दे हैं, तो हम घर में रखी वस्तुओं कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, विनिमय हम कितना न्यायपूर्ण ढंग से कर पा रहे हैं, लेन देन के भाव से कर पा रहे हैं, जो हम कोष कर रहे हैं वो कितना समझ कर पा रहे हैं, इन सब बातों को अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ यदि मैं भागीदारी को देखूं तो मुझे समाज में जब मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसको पूरा करने के लिए 5 डायमेंशन स्पष्ट होते हैं, उसको पूरा करने के लिए सिस्टम्स और भी जिस प्रकार से बन सकते हैं वो स्पष्ट होते हैं, तो मैं समाज की जिस भी आयाम में भागीदारी कर रहा हूँ
उस पूरे सार्वभौम व्यवस्था की दृष्टि से करता हूँ। तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अब वहां मैं सिर्फ सैलरी पाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, एक व्यवस्था भागीदारी करने जा रहा हूँ। तो सुबह उठने के साथ ही मुझे दिखाई देता है कि मुझे आज इस पूरी व्यवस्था में भागीदारी करने का जो अवसर है उसको कैसे ठीक से पूरा करना है। मैं घर में काम कर रहा हूँ तो भी, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो भी, है ना, मैं कहीं कोर्ट कचहरी में काम कर रहा हूँ तो भी। तो ज्ञान के साथ हम अपनी भागीदारी को भी ठीक निश्चित करेंगे तो न्याय व्यवस्था कैसे बेहतर बने, कैसे संपूर्णता के अर्थ में हो, कैसे उत्पादन व्यवस्था ठीक हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, इस पूरे दृष्टि के साथ मैं भागीदारी कर रहा होता और परिवार से लेकर विश्व परिवार की व्यवस्था को देख पाता हूँ। अल्टीमेटली जैसे बहुत सारा अभी हम न्यूज मिलता रहता है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, वहाँ पे वो गड़बड़ है, है ना, इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, और अधिक से अधिक हम उसका कुछ क्रिटिसिज्म कर लेते हैं या कुछ अप्रिशिएट कर लेते हैं और वहाँ हमको लगता है हमारा विचार रुक गया। बट हमको ये तो दिखाई दे कि अगर ये ठीक नहीं है जो चल रहा है तो ठीक जब होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे ठीक होनी चाहिए, तब कैसे व्यवस्था बनेगी। अगर उसकी दृष्टि हमारे अंदर पूरी बनती है तो आप आएंगे हमारा चित्रण ज्यादा फिर स्पष्ट होता है, उस चित्रण को हम कर पाते हैं कि हाँ अभी जो चल रहा है अगर ठीक नहीं है तो ठीक ये है। और जब हम उस सही के चित्रण को अपने आप में स्थापित करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो जो कुछ ठीक चल रहा है उसको अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। नहीं तो कॉमन सा ट्रेंड हो जाता है कि हम भी गलत कर रहे हैं, समाज में भी गलतियां हो रही हैं, जब भी बैठते हैं हम समाज की गलतियों को उजागर करते हैं और हम फिर किसी पॉइंट पर स्वीकार लेते हैं कि ऐसा है ऐसा ही होगा और फिर हम उस गलती जो अपने आप में कर रहे होते हैं उसको भी स्वीकार लेते हैं। परंतु जब हम पूरी भागीदारी का चिंतन करते हैं, समग्र व्यवस्था के ऊपर विचार करते हैं और फिर उसके योजनाओं कार्यक्रमों के ऊपर विचार करते हैं तो जो कुछ सार्थक हो रहा है उसको भी देख पाते हैं, उसका मुझे कैसे सदुपयोग करना है इसको भी देख पाते हैं कि नहीं। तो ये हम सब अपने आप में देखें कैसे परिवार, परिवार से परिवार समूह, और उसमें करने के लिए बहुत सारा काम है। क्या हम अपने परिवार में ही इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित कर पा रहे हैं, क्या परिवार परिवार समूह में व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहा है और फिर उससे और आगे देखते जाए। तो जब सहस्तित्व का अनुभव होता है तो जब हम परिवार की व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहे हैं तो हम उसे पूरे विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देख पाते हैं। और जिस भी आयाम में समाज की हम भागीदारी कर रहे हैं हम मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर क्षण भागीदार बने रह पाते हैं। नमस्ते सभी को। एक छोटा सा क्लियर हुआ नहीं है, वो जो वर्क बिहेवियर पार्टिसिपेशन जो आपने स्लाइड दिखाई उस तो उसमें आज तो आपने निरंतर सुख बताया वर्क पावर के आखिरी में, लेकिन कल उसके नीचे कुछ रेड लाइंस आई थी, समटाइम्स लिखा हुआ था, उसके बारे में भैया थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि क्यों कभी समटाइम्स आता है और अभी आज क्यों पूरा बताया आपने वर्क बिहेवियर। तो जब हम से ब्लॉक बी1 में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो अगर चिंतन पक्ष में जागृत हुए हैं सिर्फ तो हमारा जो पहले जनरली दुखी रहना होता था वो ना होकर अब कभी सुखी कभी दुखी होते हैं और सुख का भाव बढ़ने लगता है, समृद्धि का भाव बढ़ने लगता है जी, है ना, व्यवस्था में भागीदारी का भाव बढ़ने लगता है। वैसे अगर बोध हुआ तो भाव और ज्यादा स्थापित होता है हमारे अंदर, तो स्वयं में सुख बढ़ने लगता है, पहले से काफी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, दूसरों के सुख में भागीदारी पहले से काफी बढ़ी हुई दिखाई देती है, वैसी समृद्धि, वैसी व्यवस्था में भागीदारी। और जब अनुभव की क्रिया जागृत होती है तो उसमें पूर्णता हो जाती है। तो कल जो बात हो रही थी तो चिंतन पे अगर हम सिर्फ जागृत हुए हैं तो मैं पहले से तो बेहतर स्थिति में हूँ बट पूर्णता नहीं है, पूर्णता तभी होती है जब अनुभव की क्रिया जागृत होती है, ये बात कही जा रही थी। तो कॉन्टिन्यूटी तभी है, हर क्षण तभी बनाता है जब अनुभव की क्रिया जागृत होती है। अच्छा भैया वो टेबल पे ना थोड़ा सा मतलब वो मैं थोड़ा लेट हूँ, टेबल अगर आपने जो आज दिखाया पहला टेबल उसके पहले रेड लाइन वाला अगर टेबल सामने आ जाए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है, अभी अगर नहीं हो पाया तो, या हो सकता है कि 3-4 टेबल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ये करेक्ट 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 जी जी भैया जी। तो ये समटाइम्स अनहैप्पीनेस मोस्टली हैप्पीनेस लिखा हुआ है। हाँ समटाइम्स अनहैप्पीनेस वैसे मोस्टली फीलिंग प्रॉस्पेरस Sometimes,
अच्छा उसमें ऊपर 1 2 3 ये भी लिखा है, प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन और नेचुरल एक्सेप्टेंस, ऐसे तीनों को मिलके फिर वो समटाइम्स है ना भैया। हाँ, तो अभी अगर स्थिति देखें तो अभी मान्यताएं भी काफी प्रगाढ़ है हमारे अंदर, मान्यताएं काम कर रही हैं, संवेदना का प्रभाव भी काम कर रहा है, बट सहस्कृति बनी हुई है। तो अभी जो जीव चेतना में जीना है तो उसमें ऐसा ही रहेगा कि सुख कम ही दिखाई देता है, जिसको अभी सुख कहते भी हैं वो आवेश के रूप में रहता है, एक्साइटमेंट के रूप में रहता है, समृद्धि का भाव भी बना नहीं रहता। अभी लग रहा है कि पर्याप्त है और अभी दूसरे को देखकर हम दरिद्र महसूस करने लगते हैं, तुरंत उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जी भैया नमस्ते। जी, इस पूरे समझ के साथ अब हम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा की बात कर सकते हैं। इसमें आप पाएंगे कि अब कंटेंट के रूप में ज्यादा कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, जो मौलिक बात थी वो ज्ञान थे, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की। एक बार ज्ञान वाला पक्ष स्पष्ट हो तो फिर ये बाकी चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। तो अब तो सिर्फ जीने वाली बात है, मूल में ज्ञान है, उसको मुझे निर्वाह करना है। तो अखंड समाज में मेरी भागीदारी इस ज्ञान के साथ हर क्षण बनी रहती है, सार्वभौम व्यवस्था मेरी भागीदारी इस ज्ञान के साथ हर क्षण बनी रहती है, वैसी मानवीय परंपरा कहते हैं। तो उसके स्वरूप को हम लोग थोड़ा अभी एक बार देखते हैं। जी, तो अखंड समाज का मतलब हुआ कि समाज में कम से कम मेरी भागीदारी खंडित नहीं है। तो ये जब हम न्यायपूर्वक जी रहे होते हैं, उसका एक नेचुरल आउटकम है। जब हम हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्वक जी रहे हैं तो मेरा जो जीना है वो तो अखंड समाज के अर्थ में ही है। तो ये बात अपने को थोड़ा स्पष्ट रहे कि ऐसा नहीं कि सुबह का सेशन अटेंड कर लेने से, वर्कशॉप अटेंड कर लेने से ना, या अखंड समाज पर चर्चा कर लेने से मेरा भागीदारी अखंड समाज के अर्थ में हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए जो मौलिक रूप से ज्ञान पे काम करना है वो तो करना ही है। दूसरी बात ये भी है कि मैं अपनी भागीदारी को तो सुनिश्चित कर सकता हूँ, है ना, अखंड समाज के अर्थ में। समाज कब अखंड होगा इस पे तो सभी लोगों की भागीदारी रहेगी, ये दोनों बातें स्पष्ट रहे। तो अभी हम ज्ञान के ऊपर जितना निष्ठापूर्वक काम करेंगे उतना हम इन स्तरों पर ठीक ठीक भागीदारी कर पाएंगे, समाज में, व्यवस्था में, परंपरा में। तो मूल रूप से तो ज्ञान पे काम करना है, उसका एक नेचुरल आउटकम है मेरी भागीदारी जो जीने में दिखाई देगी, और ये परिवार से विश्व परिवार से दिखाई देगी। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि जितना लोगों ने एक्सप्लोर किया, हमारे में संबंध का भाव फैला है। जहाँ पहले हम उन 4 खिलों के साथ ही संबंध को पहचानते हुए उसको पूरा करने में थक रहे थे, अब संबंध को हम ज्यादा फैल के देख पा रहे हैं। जी, तो ये अखंड समाज की बात थी। तो अल्टीमेटली जब मेरे अंदर संबंध का चिंतन होता है तो उसके साथ जो भी मैं व्यवहार करता हूँ उभय सुख के अर्थ में होता है, उसका एक नेचुरल आउटकम है अखंड समाज, है ना। तो जो दो बातें मैं कह रहा था कि अभी हमने उस पर ध्यान दिया है, प्रस्ताव को सुना है, उसे विचार किया है, हो सकता है अभी जांचना भी शेष हो, जीकर देखना भी शेष हो, अभी पूरी अखंड समाज को चित्रित भी नहीं किया है। तो इससे हम अखंड समाज में भागीदार होंगे ऐसा नहीं है, उस पर तो अभी बहुत सारा काम करना शेष हो सकता है ज्ञान के अर्थ में। परंतु आप देखें कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन तो हो रहा है, एक सतत रूप से हम गति तो कर रहे हैं, है ना, ये एक अच्छी बात है। जहां हम पहले 4 6 लोगों के साथ ही संबंध को देख पा रहे थे, अब हम इतना फैल का संबंध को देख पा रहे हैं, तो हमारे अंदर परिवार का सेंस अब बढ़ रहा है ना। और यही अनुभव के साथ उसमें एक निरंतरता और पूर्णता हो जाती है। तो न्यायपूर्वक हम जितना जितना जीने के लिए योग्य होते हैं उतना हम अखंड समाज में सहज रूप से भागीदार होने लगते हैं। तो वही बात है कि अखंड समाज जो है वो न्यायपूर्वक जीने में ही जो मेरी भागीदारी है परिवार से विश्व परिवार तक, उसका एक नेचुरल आउटकम है। जी, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में देखें तो समाज के 5 आयाम में जब हम ठीक से काम कर रहे होते हैं, जिससे मानव लक्ष्य पूरा कर रहे होते हैं, तो उसका एक नेचुरल आउटकम है कि हम सर्वभूमि पे व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं, तो मानव के साथ भी और शेष प्रकृति के साथ भी। तो परिवार का सेंस जब हमारे अंदर बढ़ता है तो परिवार व्यवस्था का भी सेंस हमारे अंदर बढ़ता है। तो मैं परिवार में अपनी सुविधा का शुक्र पूरा करने के लिए जो प्रकृति से वस्तुएं ला रहा हूँ वो कैसे आ रही हैं, कैसे उनका सदुपयोग कर रहा हूँ,
मेरे सदुपयोग के बाद जो शेष है उसका मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे वापस प्रकृति में लौट रहा है, इन सब पे मैं ध्यान दे पाता हूँ, है ना। तो अगर हमें लगता है कि हम बाजार से कुछ खरीदने जा रहे हैं तो अगर थैला ना ले जाए और पॉलिथीन में भर के लाए तो पॉलिथीन को वापस कहीं ना कहीं डिस्पोज करना होगा, फिर प्रकृति में कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं। अगर मैं पैदल चल के जा सकता हूँ बट मैंने गाड़ी उठा ली तो फिर वो धुआं फैलेगा, धुआं फिर हवा में जाएगा, फिर प्रकृति में कुछ ना कुछ नुकसान बढ़ेगा। तो इसको जब भी मैं कोई कार्य भी कर रहा हूँ, कोई भागीदारी भी कर रहा हूँ तो मैं इतना फैल के देखता हूँ। वैसे मैं शिक्षा में काम कर रहा हूँ तो शिक्षा का मतलब सिंपली स्किल डेवलप करना नहीं, शिक्षा का मतलब तो समझ विकसित करना, समझ के साथ स्किल डेवलप करना है। वैसे किसी दूसरे आम की बात करें, उत्पादन कर रहे हैं तो फैक्ट्री भी चला रहे हैं, ये फैक्ट्री इस पूरी धरती की व्यवस्था में भागीदार है, ये हमको दिखाई देता है, उसके साथ ही हम उस फैक्ट्री को चलाते हैं। तो ये योग्यता हमारे अंदर बनने लगती है, इसको पूर्णता तो अनुभव के साथ होगी परंतु ये जो संबंध का व्यवस्था का भाव हमारे अंदर फैलने लगता है उससे हमारे जीने में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देगा जी। तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक उसका एक नेचुरल आउटकम हमको दिखाई देता है, एक दस पानी व्यवस्था के रूप में। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। अभी बताया था कि जो पूरे देश में जो भी बुरी बात है, जो बुरा चल रहा उसका चिंतन न करते हुए जो अच्छा है उसके लिए चिंतन करें अपन इमेजिनेशन में, और उसके कारण अपना जो बिहेवियर अच्छा रहेगा, ये थोड़ा पूरा समग्र व्यवस्था में अपना भागीदारी बढ़ेगी। तो इसका एक आधा रियल एग्जांपल लेके बताएंगे भैया, थोड़ा एक्सप्लेन करके यानी कैसा कर सकते हैं। तो जब मुझे सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप समझ में आता है, मानवीय परंपरा का स्वरूप समझ में आता है, मैं उसके लिए हर क्षण क्रियाशील रहता हूँ। तो मैं उसके लिए योजनाएं बनाता रहता हूँ, कार्यक्रम बनाता रहता हूँ, क्रियान्वयन करता रहता हूँ, फल परिणाम का मूल्यांकन करता रहता हूँ, है ना, और फिर नई योजनाएं बनाता हूँ। तो मेरे अंदर ये जो निष्ठा बनी व्यवस्था पूर्वक संबंध पूर्वक जीने की, वो सहज रूप से बनी रहती है, उसके वो आचरण में सहज रूप से दिखाई देता है। अब जब मैं समस्याओं को देखता हूँ तो मैं उन समस्याओं से प्रभावित नहीं होता बल्कि उनकी समीक्षा करता हूँ, और मुझे सिर्फ समस्याएं ही दिखाई देती, जो और भी कुछ सार्थक चल रहा है समाज में वो भी दिखाई देता है, उसको अप्रिशिएट भी कर पाता हूँ, उन लोगों के साथ मैं जुड़ पाता हूँ जो पहले से कुछ सार्थक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, उनको मैं साथ में जोड़ पाता हूँ। ये भी एक मेजर काम है कि जब हम सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए हर जगह लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम उनके साथ कैसे जुड़ पाए, कैसे उनको अपने साथ जोड़ पाए, आधार में ज्ञान हो, ज्ञान के साथ ये भाव हो, और हम उनको भी स्वयं भी पूर्णता के लिए काम कर पाए और उनको भी पूर्णता तक ले जाने के लिए हम प्रयासरत हो पाए। तो इसमें बहुत सारे और डायमेंशंस आपको अपने आप पे दिखाई देंगे जिसपे काम करना बाकी है, उसका हमने उस पर भी ध्यान ही नहीं दिया। भिन्न भिन्न परंपराओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों से जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं या ज्ञान के आधार पर चल रहे लोग हैं, इनके साथ मैं कैसे जुड़ूंगा ताकि साथ मिलकर हम पूरी प्रकृति में, पूरी धरती पे व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। भैया नमस्ते जी। एक जो है वो बार बार जो है सो हमारे मन में आता रहता है कि हमारे सामने ये पूरी बात भी है, हमने कई वर्कशॉप भी अटेंड कर लिया, मटेरियल भी है, नोट्स भी है, तो अब अभ्यास भी है, तो फिर हम अपना कितना समय लगाएं, कितना और समय लगेगा कि हम वो पूरी बात समझ में आ जाएगा और हमारे आचरण में आ जाएगा। हर क्षण देखिए, समय लगाने का प्रश्न तब खड़ा होता है जब समय बचाने का प्रश्न हो। अगर समय बचाने का ही प्रश्न नहीं रहा तो समय लगाने का प्रश्न क्यों आएगा? फिर तो हर क्षण जिएंगे इसको, हर क्षण समझेंगे कि नहीं, फिर इसका नेता कुछ क्यों करेंगे? जब हमें दिखाई दे रहा है तो उसका नेता क्यों करेंगे, और नहीं दिखाई दे रहा तो देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम चाहे जितना भी समय लगा रहे हो, बट हमको दिखाई देता है कि एक बार हमें व्यवस्था समझ में आती है तो अन्यथा क्यों कुछ करेंगे, उसी में समय लगाएंगे, और यदि निष्ठा बन गई है तो भी उसके लिए समय लगाएंगे जी। बिल्कुल, तो हर क्षण लगाने की बात है ना।
जी जी भैया, क्योंकि हम तो सुखी हर क्षण होना चाहते हैं, हर क्षण सहज रहना चाहते हैं, तो फिर बात है सही बात। और जब हमारा ध्यान भी तो चुकता है तो तभी तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक बात है भैया, धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया जी, जो स्लाइड है उसमें स्वास्थ्य संयम बताया गया है, तो इसका कैसा अर्थ लेंगे? स्वास्थ्य संयम का मतलब कि अगर हम समाज के आयाम की बात करें तो समाज का एक आयाम होगा जिसमें लोग हर व्यक्ति के अंदर संयम के भाव को विकसित करने के लिए योजना कार्यक्रम बना रहे होंगे, क्रियान्वयन कर रहे होंगे, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके उपचार के लिए भी काम कर रहे होंगे। तो जैसे अभी भी देखें तो वॉलंटरली ही लोग सुबह सुबह टहल रहे हैं, योग कर रहे हैं, है ना, ग्रुप्स बनाकर आपस में स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग इनफॉर्मली कर ही रहे हैं जी। और यदि बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, एडमिट भी हो रहे हैं, तो किसी रूप में तो ये चल ही रहा है अभी जी। स्वास्थ्य वाले मामले में आप देखें तो जो कठिनाई हो रही है वो ये है कि संयम के भाव की निरंतरता नहीं है, तो कभी तो ध्यान रखते हैं कभी नहीं ध्यान रखते हैं। तो संयम का भाव सब में कैसे बना रहे, बचपन से ही हर बच्चे में कैसे संयम का भाव सुनिश्चित हो, और फिर उसके आधार पर लोगों का ऐसा जीना हो कि स्वस्थ रहे, ताकि स्वास्थ्य के लिए अलग से अपने को बहुत सारी योजना न बनानी पड़े, भय न हो स्वास्थ्य के न होने का, शरीर के खराब होने का, शरीर के अस्वस्थ होने का भय न हो। ठीक है जी जी, थैंक यू भैया जी। इसके साथ मानवीय परंपरा को देखें तो मानवीय परंपरा का मतलब है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की निरंतरता हो गई पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो उसका एक तरीका उसको देखने समझने का हो सकता है जो अभी हम लोग अगले साइड पर रखें, तो दो रूपों में हम उसे देख सकते हैं। तो ऐसे एक तरीका ये है देखने का कि शिक्षा पे हमने अभी काम शुरू किया तो शिक्षा मानवीय हो जाए, शिक्षा मानवीय होती है तो उससे आचरण हमारा मानवीय होता है, आचरण मानवीय होता है तो हम सही संविधान को स्थापित कर पाते हैं समाज में, तो उससे हम फिर आगे बढ़कर व्यवस्था को स्थापित कर पाते हैं, और जितना काम अभी हुआ उससे आगे काम अगली परंपरा करती है, अगली पीढ़ी करती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था और पहले से निखरती जाती है, बेहतर होती जाती है, संविधान भी पहले से बेहतर होता जाता है, है ना। आचरण भाव तो निश्चित रहते हैं, उसकी प्रस्तुति हमारी पहले से बेहतर होती जाती है, शिक्षा में भी जो वस्तु जा रही है उसका स्वरूप पहले से बेहतर होता जाता है, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें एक परंपरा बनी रहती है जिसको हम मानवीय परंपरा कहेंगे। इसी बात को अभी हम लोगों ने जिस विधि से रखा इसको और कैसे हम बेहतर ढंग से रख सकते हैं, तो वस्तु तो वही है, ज्ञान की वस्तु वही है, और बेहतर ढंग से रखने के उपाय हो सकते हैं, और व्यक्तियों तक सीधा सीधा पहुंचाने के उपाय हो सकते हैं कि नहीं। तो शिक्षा, शिक्षा से आचरण, आचरण से संविधान, संविधान से व्यवस्था, और उस तरह से मानवीय परंपरा। तो एंट्री पॉइंट शिक्षा है, इसमें आप ये भी पाएंगे कि ऐसा कोई निश्चित क्रम हो अनिवार्य नहीं है, तो शिक्षा है, शिक्षा से हम व्यवस्था में भागीदारी तो कर ही रहे, आचरण भी तैयार हो रहा है, तो ये भी है। तो बट अल्टीमेटली देखें तो चार पिलर्स दिखाई देंगे आपको, एक स्वरूप अगर रखा जाए तो शिक्षा, आचरण, संविधान और व्यवस्था, इस रूप में दिखाई देगा। तो आचरण का मतलब है ऐसा कंडक्ट जिसमें हर क्षण उभय सुख उभय समृद्धि बना रहे, वैसे ही संविधान की अगर बात करें तो एक मानवीय समाज में जीते हुए लोगों का आचरण कैसा होगा उसको लेकर संविधान, और कोई इसे भिन्न आचरण करता है तो उसमें सुधार कैसा होगा इसलिए संविधान, और व्यवस्था का मतलब कि पांचों आयाम पे काम हो रहा है, मानव लक्ष्य पूर्ति हो रही है, उसका पूरा स्वरूप कैसा है जी। एक बार भैया पीछे स्लाइड पे जाएंगे, तो एक स्वरूप ये है, तो दूसरा स्वरूप इस रूप में हो सकता है कि शिक्षा, शिक्षा से संस्कार, संस्कार से आचरण, फिर आचरण से व्यवस्था, तो ये भी एक स्वरूप है देखने का, ये भी एक तरीका है उसको देखने का। तो एक तरीके से अगर मानवीय परंपरा को रखें तो शिक्षा, शिक्षा से आचरण, आचरण से संविधान, संविधान से व्यवस्था, दूसरा तरीका शिक्षा, शिक्षा संस्कार, संस्कार से आचरण, आचरण से व्यवस्था, दोनों ही बातें ठीक है ना। अल्टीमेटली हम व्यवस्था को ही पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए एक प्रस्तुति है, एक प्रकटन है जी। नेक्स्ट भैया असाइनमेंट पे आ जाइएगा।
तो ये बात पूरी हो गई। इस लेक्चर 26 के साथ जितना प्रस्ताव आपको पहुंचना था UHV3 में, प्रस्ताव पूरा है ना मिल गया। अब तो अपने ऊपर काम करना ही शेष है। तो हम अपने व्यवहार में देखें कि हमारे व्यवहार में क्या प्रेम का भाव बना रहता है हर क्षण, और जो भी हम स्नेह का निर्वाह कर रहे हैं इस प्रेम के भाव के स्पष्टता के साथ कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ या उससे अन्यथा कर रहे हैं। वैसे कार्य में भी हम देखें कि जो प्रकृति की व्यवस्था हमको समझ में आती है तो परस्पर पूरकता का भाव मेरे अंदर हर क्षण बना रहता है, और फिर मैं जब किसी प्रकृति की इकाई के साथ काम कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तो उसी का एक प्रकटन है, उसी रूप में है। वैसे जब भागीदारी कर रहे हैं तो सार्वभौम व्यवस्था की भागीदारी हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, और फिर परिवार व्यवस्था में जब भागीदारी कर रहे हैं तो उसी समझ के साथ कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि फैल पा रही है कि नहीं, इसको देखना है। तो व्यवहार तो अभी भी हम कर रहे हैं, कार्य अभी भी कर रहे हैं ना, भागीदारी अभी भी कर रहे हैं, तो क्या व्यवहार के आधार में प्रेम का भाव है, क्या कार्य के आधार में पूरी प्रकृति की व्यवस्था के साथ भागीदारी का भाव है। और वैसे ही जब हम भागीदारी कर रहे हैं तो पूरे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा को देखते हुए कर रहे हैं, ये अपने आप में हृदय का काम है। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, अब जब ये पिछला जो स्लाइड था उस पे हम शिक्षा आचरण और संविधान की बात कर रहे हैं तो समझ में तो आ रहा भैया पूरा ये, लेकिन जब एक्सप्लेन करने जाते हैं पर्टिकुलरली क्लासरूम में या जब बच्चों को भी एग्जाम में लिखना होता है तो इस पे ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो मैं थोड़ा बहुत तो फैला के देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर इसका थोड़ा और आप डिटेलिंग कर सके या कहीं आगे होना हो या कुछ और कंटेंट हो तो थोड़ा सा बच्चों को समझाने में और डिटेलिंग चाहिए होती, तो आप कर सकते हैं भैया इसको अभी या बाद में? इस पक्ष को लेकर डिटेलिंग चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब मानव लक्ष्य सस्ता है, पांचवा आयाम पे हम ठीक से काम कर पा रहे हैं, जिससे हम परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था में जी पा रहे हैं, तो ऐसा जीते हुए हमारा आचरण किस प्रकार का होगा उसको लेकर फिर हम संविधान को रख पाते हैं, बना पाते हैं। तो एक मानवतापूर्ण आचरण से जीते हुए व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, अनुभव संपन्न व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, उसको लेकर हम फिर संविधान बना पाते हैं। और यदि वैसा नहीं है तो उसके पूर्ति के लिए क्या करना है उसको हम तय कर पाते हैं। भैया, जो उस आचरण के साथ भी नहीं जी पा रहे हैं तो उनकी समझ बढ़ाने के लिए भी हम इसमें काम करते हैं। तो जो समझ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उसमें हम पॉइंट वाइज थोड़ा इसको इलाबोरेट कैसे कर सकते हैं कि हमारा आचरण मानवीय हो जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी समझ बढ़ जाए, और साथ में जो और भी जो लोग हैं पूरा अपन विश्व तक जाए, परिवार से लेके विश्व तक, तो उस पर भी हम समझ बढ़ाने में जो मदद करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको डिटेलिंग हम जो एक्चुअली क्वेश्चन का जब आंसर करना हो तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन पूरा तो उसी के लिए है। तो जब समाधान का स्वरूप रखा गया 9 बिंदुओं में, यही तो करेंगे, तो मौलिक रूप से ज्ञान पे काम करेंगे, ज्ञान से विवेक निश्चित होगा, विवेक से विज्ञान निश्चित होगा, तो इस विज्ञान के साथ हमारा आचरण होगा, तो व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, भागीदारी करेंगे, यही संविधान बनेगा। तो भैया क्वेश्चन ये भैया कि जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, भारतीय संविधान बना हुआ है, लेकिन अब ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें भी हम किस तरह के पॉइंट्स कवर करेंगे? जैसे उसमें भी है कई सारे पॉइंट्स हैं, न्याय की बात भी की गई है, लेकिन वो अलग तरह से, यहाँ पर हम भी उसको उस रेफरेंस में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या उसका दूसरा प्रावधान क्या हो सकता है? वही ना, तो जो हमको दिख रहा है अलग तरह से है तो हम इस तरह से रख पाएंगे उसको, और जो अभी रखा हुआ है उसको भी हम प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे। तो जैसे हमने दंड संहिता बनाई कि इस तरह के अपराध के लिए इस तरह का दंड है, ठीक है, हमने अगर ऐसा कुछ बनाया तो हम साथ में भी देखेंगे कि इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन कैसे होगा। कोई अगर मर्डरर है तो उसके गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम क्या काम करेंगे, कोई अलग तरह का अपराधी है तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा, इन पर भी हम विचार करेंगे। जब अधिकार और कर्तव्य की बात करेंगे तो हम पहले कर्तव्य की बात करेंगे ना, फिर अधिकारों की बात करेंगे। अगर हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो तो कर्तव्य को पूरा करेगा, अगर कर्तव्य को हम ठीक से पूरा करें तो अधिकार अपने आप सबसे पूरे होते रहेंगे।
जैसे हमारा मौलिक अधिकार क्या है, निरंतर सुखपूर्वक जीना, इसके लिए कर्तव्य क्या है, मानवतापूर्ण आचरण, इसके आधार में अनुभव बोध चिंतन। तो जब हम इसको पूरा करेंगे तो अधिकार हमारे खुद ब खुद पूरे होंगे। अगर मैं अपने आप में निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहा हूँ तो मैं दूसरे के सुख में भागीदार रहूंगा ही। तो हमारा मौलिक अधिकार तो ये है कि हम निरंतर सुखपूर्वक जी पाए, और उसको पूरा मुझे स्वयं से ही करना हो, दूसरा नहीं पूरा करेगा। अभी जब अधिकारों की बात करते हैं तो दूसरे कुछ पाने की बात करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमको ये उपलब्ध कराए, ये मेरा अधिकार है। जबकि ये जो ज्ञान समाधान सुनिश्चित होना है, ये स्वयं में स्वयं द्वारा होना है, और यही मेरा मौलिक अधिकार है, तो उसको हम पूरा करेंगे। जब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो इस रूप में करेंगे कि मैं क्या, आवश्यकता मैं से ही पूरी होती है, उसके लिए स्वयं में जो ज्ञान के लिए समाधान के लिए काम करना है उसको विधिवत करेंगे हम। तो ये दिखाई देगा कि हो सकता है अभी हम एक अमानवीयता के साथ है ना जी रहे समाज में, कैसे इंटरवीन करेंगे उसके लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। फिर हम एक मानवीय समाज में जीते हुए मनुष्य का आचरण कैसा होगा उस पर इंफेसिस होगा हमारा, ये सब शिफ्ट दिखाई देगा कि नहीं। हाँ जी भैया, थोड़ा सा अब समझ में आया है कि ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हम अगर ये पूरे जो 9 पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए वहां पे बात करेंगे, तो जैसे दंड प्रक्रिया भी अगर मान लो दंड संहिता बनी हुई है तो उसमें भी क्या चेंज हो सकता है ताकि समझ भी बढ़ सके। तो ऐसा नहीं कि हमने उसको दंड दे दिया, कारावास में रख दिया, कारावास में रखने के बाद भी हम उसकी समझ बढ़ सके, और जब उसकी समझ बढ़ जाए तो वापस एक नॉर्मल अच्छे नागरिक की तरह वो जी पाए। तो इस तरह से हम हर पॉइंट को वहां पे कनेक्ट, एक पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया जो आपने एग्जांपल लिया, इस तरह हम जगह हर जगह जाके उस पॉइंट को सही समझ के साथ कनेक्ट करते हुए, सही भाव के साथ कनेक्ट करते हुए उस संविधान को उस तरह से फ्रेम करेंगे। ठीक बोल रहा हूँ भैया? तो जैसे अभी हमने शब्दों का प्रयोग किया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी का मतलब भी क्या है, इक्वालिटी का मतलब भी क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? तो हमारे इच्छाएं तो हैं कि समाज में लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। अब लिबर्टी का मतलब अगर देखें तो अल्टीमेटली बॉन्डेज से लिबर्टी, और ये बॉन्डेज कहाँ है, मान्यताओं या संवेदनाओं का है। तो लिबर्टी को हम प्रॉपरली प्लेस करेंगे तो दूसरा तो हमें बंधक तब बनाता है जब हम खुद ही अपने मान्यताओं या संवेदनाओं के बंधक होते हैं। इक्वालिटी शरीर में, सुविधा में नहीं होगी, मान्यताओं में नहीं होगी, इक्वालिटी तो समझ और भाव में होगी, इक्वालिटी को भी ठीक से प्लेस कर पाते हैं। फ्रेटर्निटी की अगर बात करें तो प्रेम के भाव के साथ, करुणा के भाव के साथ ही फ्रेटर्निटी होगा, है ना, वो सिर्फ कुछ मापदंड बनाने से नहीं होगा। जहां हम सेकुलर की बात कर रहे हैं तो सेकुलर के साथ हम यूनिवर्सैलिटी को देख पाएंगे, तो मुद्दा सिंपली पंथ या संप्रदायों में जो कुछ चल रहा है उन सबको एक्सेप्ट करने का नहीं है, अगर ठीक नहीं चल रहा तो उसको ठीक भी करने का है। तो अभी हमारी स्थिति इतना करते हैं कि हाँ भाई, जो भी पंथ संप्रदाय है ना, उन सबको जैसा वैसा स्वीकारना और सबको साथ में लेकर चलना। परंतु यदि उस पंथ संप्रदाय में ही कोई मानने में चूक है जो किसी भी तरफ हो सकता है तो उसको कैसे ठीक करें? तो क्या हमारे आचरण का आधार पुस्तकें होंगी, है ना, या कोई लोगों के द्वारा कही गई बातें होंगी, या हमारा अपना ज्ञान समाधान होगा? तो समाज भटकता तब है जब मान्यताओं में जीने लगता है, संवेदनाओं में जीने लगता है। तो समाज के हर व्यक्ति में ज्ञान कैसे सुनिश्चित हो उसके लिए काम करेंगे। मेरली सेकुलर की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सल की बात करेंगे। लिबर्टी को हम बाहर नहीं ढूंढेंगे, स्वयं में देखेंगे। क्वालिटी को हम चैतन्यता के स्तर पर देख पाएंगे। फ्रेटर्निटी को हम प्रेम और करुणा के भाव के स्तर पर देख पाएंगे। तो इन सारे शब्दों को ठीक से प्लेस करेंगे, और सिर्फ हम एक राष्ट्र की क्यों बात करेंगे, हम तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करेंगे, पूरे धरती को ही एक इकाई के रूप में देखते हुए बात करेंगे। तो हर देश का अपना अपना संविधान क्यों होगा, पूरे विश्व का एक संविधान हो सकता है। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, अब क्लियर हुआ है पूरा, मतलब इसको कैसे फैला के देखना है, ये पॉइंट्स ही चाहिए थे भैया, थैंक यू। हाँ, तो अगर हम संविधान के प्रीएम्बल को देखें, संविधान के बेसिक टेनेट्स को देखें, उसको पढ़ें एक बार, और फिर हम देखें कि इस पूरी ज्ञान के साथ उसमें कैसे कैसे हमको परिमार्जन का स्वरूप दिखाई दे सकता है। तो अभी जो है उसमें इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने भी बनाया बहुत मेहनत से, बहुत है ना लगन से उसको बनाया, बिल्कुल ठीक रह गया, उसको हम पूरा कर पाए। हाँ भैया, मैं थोड़ा आपकी इस बात को ऐसे भी कनेक्ट कर रहा हूँ भैया, ठीक है, यानी आप बताना कि अभी तक जो संविधान बनाया उसका इंटेंशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं उसका आधार विचार है,
और आप यहाँ जो बात की जा रही है उसका आधार समझ और भाव है। जी। तो हमें पहले से दिखाई था कि अगर अभी भी जिस तरह समाज चल रहा है तो जितने अपराध रिपोर्ट हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अपराध रिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का जीना ठीक नहीं है। अभी हम संवेदना मूलक कार्यक्रम को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। अभी देखिए गेमिंग के एड अब धीरे धीरे आने लगे हैं, उसमें पैसों का खेल जुड़ने लगा है, ठीक है। अब हमको पहले से दिखाई दे रहा है कि इसके लिए तो बच्चा अपनी माँ की हत्या कर ही सकता है, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह के हम तैयारियां कर रहे हैं उसमें दिख ही रहा है कि जो आचरण में चूक हो ही सकते हैं, परिवार परिवार में, हर परिवार में हो सकता है। तो समय रहते उस पर काम करेंगे। तो मौलिक मुद्दा ज्ञान है, ये हमको दिखाई दे तो ये बाकी सब चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं अगर हम ज्ञान को आधार में ले आते हैं। अगर व्यक्ति में तनाव है, परेशानी है, तो शराब पीने जा रहा है तो शराब की दुकानें बंद करवा दें या लाइसेंस दें न दें, इन सबसे अल्टीमेटली समाधान नहीं निकलेगा। व्यक्ति के अंदर जो तनाव है उसका समाधान देना जरूरी है। तो हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे व्यवस्था के लिए। तो इस पूरे चीज को देखेंगे, देखेगा कि जो भी इतिहास में भी प्रयास हुआ है, देश में प्रयास हुआ है, परंपरा में हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता, जो शेष रह गया है उसको हम ज्ञान के आधार पर कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए योजना कार्यक्रम। और ये सारा अपने को स्वयं से शुरू करना है। हम अपने आप में देखें कि हमको अपने आप में परिमार्जन करने में कितना समय लगता है, तो उसके साथ हमको समाज के प्रति भी उदारता बनेगी। यहाँ पे समाज में भी अगर इतना एक्सटेंसिवली और इतना इंटेंसिवली काम नहीं करेंगे तो परिमार्जन नहीं होगा, है ना। ये देखिए विचार से भाव तक पहुंचने में अपने को कितना समय लग रहा है, भाव से समझ पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो कैसे समाज में व्यक्ति विचार से उसके भाव तक पहुंच पाए, भाव से आगे समझ तक पहुंच पाए, ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इस पर अपने काम करना जरूरी है। तो एक तो हम ये करेंगे जो भी संविधान है विश्व भर के संविधान, है ना, उनको हम अध्ययन करेंगे और उनमें हम उसके सही स्वरूप को देख पाएंगे। तो अभी जो संविधान बने भी हैं तो किसी देश में कोई संविधान बना, जैसे आयरलैंड में संविधान बना, किसी और देश में बना, तो हमें उसको बहुत सारी बातें उपयोगी लगी, हमने उसको शामिल किया। बट हम ये भी देखेंगे कि उसमें और क्या गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है ताकि हर व्यक्ति को सुख समृद्धि की सुनिश्चितता हो पाए, मानव लक्ष्य की पूर्ति हो पाए। अगर वो शेष रह गया तो उसको पूरा करेंगे। जी भैया, हाँ हाँ भैया, एकदम स्पष्ट हुआ भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। तो आज भैया चर्चा में रोक लेते हैं भैया। जी सभी साथियों का धन्यवाद इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए। जैसे कि हम लोग चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं, हमने से कुछ साथियों ने अपने नाम दिए हुए, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की शेयरिंग होगी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हम लोग इसको रख सकते हैं। तो हमने ये जो मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है उसी तरह से UHU के साथ जुड़ने के बाद हमारी जो भी समझ बन पाई, जो भी हमारा मतलब चेंजेस आए हुए, और उसी तरह से UHU के बारे में हमारे जो कमिटमेंट है उसके बारे में हम लोग इस सेल्फ एक्सप्रेशन में बातें रख सकते हैं, तभी कृपया इसके लिए अपना नाम दे दे। और उसी तरह से आज संडे है, बहुत सारी रीजनल मीटिंग्स होती है, यहाँ पे इंग्लिश मीटिंग की लिंक है, उसी तरह से हमारी जो भी रीजनल मीटिंग्स है उसको भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद भैया, क्या आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं? जी भैया अभी रोक लेते हैं। तो आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि हम अभी देखें अपने व्यवहार, कार्य और भागीदारी में। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।